जब नए लोग मिल जाते हैं ना, तो पुराने लोगों को भुला दिया जाता है, और यही कलयुग है। हमेशा खुश रहा करो ये सोचकर कि दुनिया में हमसे भी ज्यादा परेशान और दुखी लोग हैं। जिंदगी में कभी किसी को दोष मत दीजिए। अच्छे लोग खुशियां लाते हैं और बुरे लोग तजुर्बा दे जाते हैं। हमेशा वैल्यूबल बनो, अवेलेबल नहीं। अवेलेबल बनोगे तो दुनिया सिर्फ आपका इस्तेमाल करती रहेगी। मक्खन आदमी को नहीं, उसकी कुर्सी को लगाया जाता है। कोई किसी का साथ नहीं देता, बस सब अपने अपने मतलब के लिए साथ रहते हैं। अगर आपको अपनी अहमियत बतानी पड़े तो समझ लेना कि अब आपकी कोई अहमियत नहीं रही। उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। लोग कहते हैं कि तुम इतना खुश कैसे रहते हो? मैंने कहा, हम किसी की खुशी देख के जलते नहीं और अपना दुख किसी को बताते नहीं। प्रेम यदि पक्का हो तो विवाद चाहे कितना भी गहरा हो, रिश्ता कभी नहीं टूटता। छल कपट के युग में सच बोलना एक क्रांतिकारी काम होता है। इंसान की पहचान दो बातों से होती है, एक उसका किया हुआ सब्र जब उसके पास कुछ ना हो, और दूसरा उसका रवैया जब उसके पास सब कुछ हो। चुप रहना बेहतर है अगर सामने वाला आपको समझता ही ना हो। गलत फहमी मत रखा करो, क्योंकि गलत फहमी मिटे ना मिटे पर रिश्ता जरूर मिट जाता है। जिस मेहनत से आप आज भाग रहे हो, कल वही आपको सफलता दिलाएगी। झोंक दो अपने आप को इस आग में, कल यही आपको हीरा बनाएगी। जब इंसान खुद का हो जाता है, फिर उसे तन्हाई में सबसे ज्यादा मजा आता है। आप अगर खुद से नहीं हारे तो जीत पक्का आपकी होगी। गम नहीं किसी बात का, जो जिंदगी में लिखा है वही होगा। बहुत कम लोग जानते हैं कि वो बहुत कम जानते हैं। एक गलत फहमी मुझे भी हुई जिंदगी में कि हम बहुत जरूरी हैं उसकी जिंदगी में। जिस मेहनत से आप आज भाग रहे हो, कल वही आपको सफलता दिलाएगी। झोंक दो अपने आप को इस आग में, कल यही आपको हीरा बनाएगी। वफा पे मैं अब भी कायम हूं, बस मोहब्बत छोड़ दी है मैंने। सबसे बेहतर बनने के लिए आपको खराब से खराब हालात से लड़ना पड़ेगा। साबित करना जरूरी नहीं है, बेहतर बनना जरूरी है। जिंदगी में एक बात तो तय है कि तय कुछ भी नहीं है। जब इंसान खुद का हो जाता है, फिर उसे तन्हाई में सबसे ज्यादा मजा आता है। किसी के लिए इतना मत गिरो कि वो तुम्हें कुचल कर ही रख दे। सुख हमारी देह को छूते हैं और दुख हमारी आत्मा को छूते हैं। किसी के लिए उतना ही गिरना कि फिर संभलने की थोड़ी गुंजाइश बाकी रहे। मजबूत होने का असली मजा तो तब है जब सारी दुनिया आपको कमजोर करने पर तुली हो। वक्त का काम तो गुजर जाना है, बुरा है तो सब्र करो और अच्छा है तो शुक्र करो। रातों को किसी के लिए जागा नहीं करते, और जो तुमसे भाग रहा हो उसके पीछे भागा नहीं करते। मैं अपनी इस अदा पे थोड़ा गुरूर करता हूँ, चाहे गुस्सा हो या प्यार भरपूर करता हूँ। जब कोई आपको धोखा देता है तो वो धोखा दर्द नहीं देता, दर्द वो यकीन देता है जो आपने उस शख्स पर किया होता है। ज्यादा सोचना बंद कीजिए और उस दुनिया से बाहर आइए जो हकीकत में है ही नहीं। जो इंसान हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पे खड़ा हुआ सुख भी बाहर से ही वापस चला जाता है। किसी से इतना प्यार भी मत करो कि बाद में वो प्यार आपको जीने ही ना दे। अपना बुरा वक्त खामोशी से गुजार दो, वरना ये दुनिया आपका मजाक बनाती रहेगी। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से जुबान ही करवाती है। जिंदगी जिन्हें खुशी नहीं देती, उन्हें तजुर्बा बहुत देती है। सफाइयां देना तो दूर की बात है, मैंने तो अपने हक में बोलना भी छोड़ दिया। दर्द कम नहीं होता, बस सहने की आदत हो जाती है। किसी की याद में जीना मजाक नहीं, अंदर ही अंदर खत्म होना बहुत दर्दनाक होता है। मौत की बाहों में ही आराम है, जिंदगी तो एक झूठे सौदे का नाम है। कोई लाख खूबसूरत ही सही, लेकिन वो ईमानदार और वफादार नहीं तो कुछ भी नहीं। बहुत लोग हैं उसे खुश रखने के लिए, एक मैं ही हूं जो उसकी यादों में खुश हूं। दिल हजार बार चीखे, उसे चिल्लाने दो, जो आपका नहीं उसे जाने दो। अब मैं किसी के बहकावे में नहीं आता, एक शख्स ने मुझे इतना समझदार बना दिया है। कुछ लोग जिंदगी होते हैं, कुछ लोग जिंदगी में होते हैं, कुछ लोगों से जिंदगी होती है, और कुछ लोग होते हैं तो ही जिंदगी होती है।
आप चाहे कितने ही इज्जतदार इंसान हो, अगर आपने ऐसे इंसान के साथ प्यार कर लिया जो किसी की इज्जत करना नहीं जानता, तो वहां आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ आपकी भावनाओं को भी कुचल दिया जाएगा। हर किसी को अपना समझना छोड़ दो, हमेशा खुश रहोगे। ये वो जमाना है जहां सच्चा दोस्त थोड़ा सा नाराज हो जाए तो वो दुश्मनों की लाइन में खड़ा हो जाता है और आपसे बदला लेने की ताक में रहता है। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा गलत उसी को मानते हैं। देखा है मैंने, ये आलम इस जमाने में बहुत जल्दी थक जाते हैं लोग रिश्ते निभाने में। ऐसे लोगों से सदा बच के रहना जिनके दिलों में भी दिमाग होता है। लोग अगर बदलते हैं तो बदल जाने दो, सब पीछे आएंगे, बस अच्छा वक्त आने दो। कौन काबिल है और कौन नहीं, ये तो सिर्फ वक्त ही बताता है। बहुत कुछ है मेरे पास, बस प्यार की कमी खलती है। तलाश किया तुझमें जो सुकून, बस यही मेरी गलती है। उम्मीद इंसानों से लगाकर शिकायत रब से करते हो, हद है यार, तुम भी कमाल ही करते हो। मुझे जिंदगी में एक ऐसा शख्स चाहिए जो मेरी गलतियों पर मुझे समझाए, ना कि मुझे छोड़ के चला जाए। उधार लेने वालों को सिर्फ एक बार मांगना पड़ता है और उधार देने वाले को कई बार मांगना पड़ता है। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वो इंसान आज की दुनिया में सबसे ताकतवर है। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। जिसने अपनों को बदलते देखा है, वो हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। मेरा भरोसा ऐसे ही नहीं टूटा दुनिया से। मैंने देखा है अपनों को गैरों के साथ दिल लगाते। ना जाने क्यों अब मुझे लगता है कि अपनी बातें अपने दिल तक ही रखनी चाहिए। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वो इंसान आज की दुनिया में सबसे ताकतवर है। हर यार को राज मत बताओ, क्योंकि यहां यारों के भी यार होते हैं। पैसा एक ही भाषा बोलता है। अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। पैसा फिर कहता है, भले मैं ऊपर साथ नहीं जाऊंगा, पर जब तक मैं नीचे हूं तुम्हें ऊपर लेकर जाऊंगा। दुनिया का सबसे गरीब इंसान वो है जिसके अंदर हिम्मत ही नहीं है। अगर लोग आपको नीचे गिराना चाहते हैं तो इसका मतलब आप उनसे ऊपर हैं। भाई भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति बांटने के लिए बनाया था, लेकिन अफसोस आज ये सिर्फ संपत्ति बांटने तक ही सीमित हो गया है। मैं उम्मीद पर नहीं, अपनी जिद पर जीता हूं। खुद से दोस्ती हुई तो पता चला कि मुझसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जहां संघर्ष नहीं होता वहां सफलता भी नहीं होती। क्रोध में बोला हुआ एक कठोर शब्द भी इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी हजार प्यारी बातों को भी एक बार में ही नष्ट कर सकता है। लालच और डर किसी को भी गद्दार बना सकता है। जिंदगी तो उस वक्त बदल गई थी जब वो लोग बदल गए जो जिंदगी हुआ करते थे। ना मुझसे बेवजह झुका जाता है, और जहां मेरी जरूरत ना हो वहां मुझसे रुका नहीं जाता। कितने अजीब होते हैं लोग, गलत साबित होने पर माफी नहीं मांगते, बल्कि आपको गलत साबित करने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। वह गहरे अंधेरे ही थे जिन्होंने मुझे रोशनी की अहमियत सिखाई। अंत सभी का समान है, हम जीते जी क्या करते हैं, बस वही हमें अलग बनाता है। जो लोग जरूरत से ज्यादा सोचते हैं वो होश में रहकर भी बेहोश ही रहते हैं। जब नाश मनुष्य पर छाता है तब विवेक पहले मर जाता है। बाहर से लहजे रसीले हैं, लेकिन अंदर से लोग बहुत जहरीले हैं। लोग बदलते नहीं हैं, बस फासले बना लेते हैं। जब मतलब निकल जाता है तब नए रास्ते अपना लेते हैं। जब आपको कोई भड़काने का प्रयास करे तब मौन रहने का आनंद ही कुछ और है। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में पूरी दुनिया उसके साथ होती है। मैंने हर चीज का हिसाब रखा हुआ है, बस सही वक्त का इंतजार है। जिंदगी में कभी भी किसी रिलेशन के लिए रोना नहीं चाहिए, क्योंकि जिसके लिए रोना पड़े वो आंसुओं के लायक नहीं है, और जो लायक होगा वो कभी रोने नहीं देगा। सबकी असलियत से वाकिफ हैं हम, खामोश जरूर हैं लेकिन अंधे नहीं हैं। बर्दाश्त करो तो लोग कमजोर समझ लेते हैं, और सामना करो तो बदतमीज समझ लेते हैं। हम बुरे हैं तभी तो जी रहे हैं, अगर अच्छे होते तो ये दुनिया जीने ही नहीं देती। बदनसीब मैं हूं या तू है ये तो वक्त ही बताएगा। बस इतना कहता हूं कि अब कभी मेरी जिंदगी में लौट कर मत आना।
बात करने से बात बढ़ जाती है, इसलिए अब हम खामोश रहते हैं। चिंता करना आपने अपनी आदत बना ली है, बस सिर्फ इसलिए आप दुखी रहते हो। मुझे ऊंचाइयों पर देखकर लोग हैरान हैं बहुत, पर किसी ने मेरे पैरों के नीचे छाले नहीं देखे। तुम तरस जाओगे मेरे दीदार को भी, कुछ इस तरह हम तुम्हें बेगाना कर देंगे। जब काटने की औकात ना हो तो भौंकना भी नहीं चाहिए। बहुत याद आते हो तुम, दुआ करो कि मेरी याददाश्त ही चली जाए। शरीफ हैं हम, लड़ते नहीं, लेकिन सारा जमाना जानता है कि डरते हम किसी के बाप से भी नहीं। जिंदा हो तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है, उसूलों पर आंच आए तो टकराना भी जरूरी है। वो जमाना अब नहीं रहा दोस्तों, जो लोगों को किसी से बिछड़कर अफसोस होता था। ना समझ है वो, मेरी बात नहीं समझेगा, मेरी जगह नहीं है, इसीलिए अभी मेरे हालात नहीं समझेगा। रोकर भी देख लिया उसके सामने, वो पत्थर दिल आंसुओं को भी पानी समझता है। वक्त वो तराजू है जनाब, जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। इंसान में इंसान वाली खूबियां ही तलाश करो, भगवान वाली नहीं। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा कभी नहीं मिल सकता। संघर्ष बयां करता है कि बंदे में कितना दम है। खुद को ऐसा बनाओ कि लोग आपके आने का इंतजार करें, न कि जाने का इंतजार करें। हम बात करने को तरसे हैं, तुम आवाज सुनने को तरसोगे। गुरूर हो गया था हमको तुम्हारी मोहब्बत का, अच्छा हुआ तुम्ही ने तोड़ दिया। जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला कर लेते हैं तो सबसे पहले बातचीत कम कर देते हैं।